तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप एक यूट्यूबर हैं और आपके यूट्यूब पर 1,000 सब्सक्राइबर से ऊपर हैं और 4,000 घंटा का वॉच टाइम कंप्लीट है, तो दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि यूट्यूब का जो मोनेटाइजेशन होता है उसको इनेबल करने के लिए यूट्यूब टीम को रिक्वेस्ट कैसे सेंड करें। तो दोस्तों यूट्यूब पर वीडियो तो काफ़ी हैं, लेकिन जैसे ही टाइम आगे चलता रहता है यूट्यूब भी अपने फंक्शन सिस्टम अपडेट करता रहता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको नए तरीके से YouTube मोनेटाइजेशन इनेबल रिक्वेस्ट YouTube टीम को सेंड करना सिखाएंगे। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुके हैं और हमने अपना YouTube स्टूडियो भी ओपन कर लिया है, तो आप भी अपना YouTube स्टूडियो ओपन कर लीजिए। तो आपको इधर नीचे से तीसरे नंबर पर मोनेटाइजेशन वाला नाम आइकन शो होगा, आपको इस पर क्लिक करना है। तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज खुलेगा। अगर आपके 1,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हैं तो आपको यह देखिए ग्रीन टिक मिलेगा, और आपका वॉच टाइम भी कंप्लीट है 4,000 घंटे से ऊपर, तो आपको यहाँ पर भी ग्रीन टिक मिलेगा। हमें अप्लाई वाले आइकन पर क्लिक करना है। इसके बाद हमें नया पेज देखने को मिलेगा। यह देखिए दोस्तों, अब हमें 3 स्टेप दिखाई देंगे। हमें यह बारी बारी से तीनों स्टेप कंप्लीट करने हैं। हम पहले वाले स्टेप पर कंप्लीट करते हैं तो आपकी कुछ गाइडलाइन दिखाई देंगी, हम इन्हें टिक कर देते हैं, आप इन्हें पढ़ भी सकते हैं। तो यह देखिए आपको ऊपर पेज लोडिंग होता हुआ दिखाई देगा। थोड़ी देर वेट करने के बाद आपको यह पहला वाला स्टेप कंप्लीट डन दिखाई देगा, तो आपको दूसरा वाला जो स्टेप है यहाँ पर स्टार्ट वाला आइकन ब्लू हो जाएगा। दोस्तों हम थोड़ा वेट कर लेते हैं। हमारा यह पेज लोडिंग हो चुका है और हमारा यह स्टेप भी अब डन लिखा हुआ आ चुका है। आप देख सकते हैं पहले वाले स्टेप पर, हमें अब दूसरे वाले स्टेप पर क्लिक करना है। तो हमारे सामने कुछ ऑप्शन आएंगे सिलेक्ट करने के लिए। अगर आपका गूगल एडसेंस अकाउंट बना हुआ है तो आप पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, अगर आपका नहीं है तो आप दूसरे वाले अकाउंट पर क्लिक कीजिए। तो दोस्तों यह देखिए, हम जैसे ही दूसरे वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमें यह देखिए आप कंटिन्यू कर देना है, तो हमें यह गूगल एडसेंस वाले पेज पर ले जाएगा जहाँ से हमारा गूगल एडसेंस अकाउंट क्रिएट होगा। दोस्तों अब हम जौन सी भी आईडी से अकाउंट बनाना चाहते हैं हमें वह आईडी सिलेक्ट कर लेनी है। अगर आप कहीं ईमेल आईडी चलाते हैं तो जैसे ही एक नया पेज खुलता है तो आपको योर वेबसाइट में यूट्यूब की लिंक ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाती है, और दूसरे वाले ऑप्शन पर आपको 2 निशान मिलेंगे टिक करने के लिए, जिसमें आपको पहले वाले निशान पर टिक करना है। अब आपको यह देखिए थोड़ा सा नीचे जाना है और कंट्री, और आपको कंट्री सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन मिलेगा। आप अपनी जिस कंट्री से भी हैं उस कंट्री को सिलेक्ट कर लीजिए। हम इंडिया से हैं तो हम अपने इंडिया देश को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। यह देखिए आपको नीचे कुछ ऑप्शन मिलेंगे, आपको नीचे स्क्रॉल करना है और आपको सबसे नीचे आ जाना है। आप चाहें तो इन्हें पढ़ भी सकते हैं। दोस्तों आपको सबसे नीचे आ जाना है और आपको नीचे टिक करने के लिए ऑप्शन मिलेगा, आप इस ऑप्शन को टिक कर दीजिए और नीचे स्क्रॉल करना है और क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं हमारा एक नया पेज लोडिंग होगा, और यह देखिए हमारे सामने गेट स्टार्ट का ऑप्शन आ जाएगा। हमारा एडसेंस अकाउंट अब क्रिएट हो चुका है। दोस्तों हम इस पर स्टार्ट पर क्लिक करते हैं तो यह देखिए हमारे सामने अकाउंट टाइप मांग रहा है। हम इंडिविजुअल भी रहने दे सकते हैं, अगर बिजनेस के लिए हैं तो हम बिजनेस भी सिलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों अब आपको यहाँ पर अपना एड्रेस डालना है, जो भी आपका एड्रेस है वो एड्रेस यहाँ पर फिल कर दीजिए, और आप नीचे भी अपना एड्रेस चाहे सेम फिल कर दीजिए। दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप सेम एड्रेस डालेंगे फिर भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। दोस्तों एड्रेस आप वही डालें जो आपका एड्रेस हो, क्योंकि जब एडसेंस का पिन आता है तो इसी एड्रेस पर भेजा जाता है। तो दोस्तों अगर आप गलत एड्रेस डालेंगे तो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों हमारा पूरा एड्रेस फिल हो जाने के बाद हमें नीचे सबमिट वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, हमें इस पर सबमिट कर देना है। अब यह देखिए हमारा पेज लोडिंग होना शुरू हो जाएगा, और थोड़ी देर वेट करने के बाद हमें यह सीधा यूट्यूब स्टूडियो पर रिडायरेक्ट पहुँचा देगा। यह देखिए हम रिडायरेक्ट पर क्लिक करते हैं तो हमें नीचे क्लिक करना है कंटिन्यू टू स्टूडियो, तो हम अपने ब्राउजर से ही यूट्यूब स्टूडियो में पहुंच जाएंगे। यह देखिए हमारा यूट्यूब स्टूडियो लोडिंग होना स्टार्ट हो चुका है। अब यह देखिए हमारा दूसरा वाला जो पेज है वह भी आपको डन दिखाई देगा। अभी दोस्तों हम थोड़ा वेट कर लेते हैं। यह देखिए दोस्तों अब आपको सेटअप नंबर 2 जो है प्रोग्रेस में दिखाई दे रहा है। दोस्तों जैसे ही हमारा यह गूगल एडसेंस का अकाउंट क्रिएट हो जाएगा तो हमारा यूट्यूब चैनल ऑटोमेटिकली मोनेटाइजेशन के रिव्यू में पहुंच जाएगा। दोस्तों अब आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके चैनल की मोनेटाइजेशन रिक्वेस्ट उसके पास पहुंच जाएगी और यूट्यूब टीम आपके चैनल को
ठीक से वेरीफाई करेगी। अगर आपका चैनल ठीक पाया जाता है तो आपका मोनेटाइजेशन इनेबल किया जाएगा, अन्यथा यह डिसेबल कर दिया जाएगा और आप 1 महीने के बाद फिर से ट्राई कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं एक अगली और नई वीडियो में, और उस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हमारा यह चैनल मोनेटाइज हुआ कि नहीं। तो दोस्तों, तो इस चैनल की घंटी भी आप प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपको आने वाली वीडियो टाइम से पहुंच सके।